Hello, my dear students. So today we are going to discuss another topic of value education, and we will start our today's topic with a quotation, and that is, prayer is simply a two-way conversation between you and God. जो प्रार्थना होती है वो आपके और परमात्मा के बीच में जो होती है जुड़ने का रास्ता बनती है. So today's topic is based on prayer. So let's begin the topic. Understanding prayers. Brahmapanam, Brahmavir, Suresh raced through. Raced through means move very quickly. His prayer that his mother had taught him. Suresh जल्दी जल्दी अपनी prayer बोलता है जो उसकी मदर ने उसको सिखाई हुई होती है. He always recited it before eating his food. वो हमेशा खाना खाने से पहले वो prayer जो है वो recite करता है. Yuck, greens, I don't want this ma. He grumbled. Grumbled means complained and pushed the vegetables away. सब्जियाँ वो कहता है I don't want this. मुझे ये नहीं चाहिए माँ. वो कंप्लेन करता है उसके और उसको माँ की तरफ को धकेल देता है उन वेजिटेबल्स को कि I don't want to eat these vegetables. This was an everyday routine in their house. ये उनके घर में हर दिन का रूटीन बन चुका था कि ही ऑलवेज डिनाइड टू ईट वेजिटेबल्स. हिज फादर ग्रैंड फादर हु हैड कम टू विजिट दैम ऑब्जर्व्ड ऑल दिस क्वाइटली. जो उसके ग्रैंड फादर थे वो उनके घर में आए हुए थे. जब उन्होंने सब कुछ देखा आराम से उन्होंने कहा सुरेश लेट मी टेल यू अ लिटल स्टोरी ही सेड. उन्होंने कहा कि सुरेश चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ. एंड Long ago, a flock of birds lived in a forest. Flock means a group. एक group of birds जो थे वो जंगल में रहते थे. The birds were careless and always got into some trouble or the other. वो जो पक्षी थे हमेशा अपनी लापरवाही की वजह से कोई ना कोई मुसीबत में फंस जाते थे. There was an old bird who always tried to help them out of their trouble. तो उनके बीच में एक old जो था एक बूढ़ा एक समझदार बर्ड था जो उनको हमेशा ही उनकी प्रॉब्लम के टाइम में उनकी हेल्प करता था. वंस द वॉइस बर्ड हैड टू गो अवे ऑन अ ट्रिप. एक बार उस वॉइस ओल्ड बर्ड ने ट्रिप पर जाना होता है. ही कॉल्ड ऑल द बर्ड्स एंड टोल्ड देम. वो सभी बर्ड्स को बुलाता है और कहता है लिसन ऑल ऑफ यू इफ यू सी अ लॉट ऑफ सीड्स स्कैटर्ड. स्कैटर्ड मीन लाइंग हियर एंड देयर इधर उधर बिखरे हुए. अंडर द ट्री बी ऑन योर गार्ड. दिस इज़ अ ट्रैप लेड बाय अ हंटर. सो नेवर ईट एनी सीड इफ यू डोंट नो वेयर दे हैव कम फ्रॉम. तो उनको बुलाते हैं कहते सुनो अगर आप सीड्स बीज इधर उधर देखो कि बिखरे पड़े हैं ज़मीन पर तो कहते सावधान हो जाओ कि वो शायद किसी शिकारी का जाल बिछाया हो सकता है कि एकदम से वो खाना खाने के लिए मत जाओ जब आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ से आए हैं. ही आस्ट ऑल ऑफ देम टू रिपीट दिस. तो उसने सबको बोला कि आप मेरे पीछे बोलो और क्या बोलने को बोला था. अ हंटर विल ले अ ट्रैप विद सम सीड्स बी केयरफुल एंड डोंट गेट ट्रैप्ड. उसने बोला कि बोलो ये जो हैं जो खाना जो है वो हंटर ने का बिछाया हुआ जाल है. हम सावधान रहेंगे हम जाल में नहीं फंसेंगे. ऑल द बर्ड लर्नड दिस बाय हार्ट एंड रिपीटेड इट मैनी टाइम्स. सब पक्षियों ने उसको आसानी से दिल से याद किया काफ़ी टाइम और उसको रिपीट करते रहे. दे प्रॉमिस टू रिपीट द वर्ड्स बिफोर मील. उन्होंने वादा किया उन्होंने प्रॉमिस किया कि जब भी वो खाना खाएंगे तो वो ये वर्ड जो हैं वो बोलेंगे. वो वर्ड कौन से थे. अ हंटर विल ले अ ट्रैप विद सम सीड्स बी केयरफुल एंड डोंट गेट ट्रैप्ड. एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. द ओल्ड बर्ड वॉज हैप्पी. वो बहुत खुश हुआ. ही थॉट दैट नाउ दे वुड रिमेंबर टू बी केयरफुल एंड अवॉइड अ ट्रैप. ही लेफ्ट ऑन हेज ट्रिप. उसको लगा कि अभी इन्होंने याद कर लिया है और ये जो है किसी के जाल में नहीं फंसेंगे तो वो भी अपने ट्रिप के लिए चला गया. वेल अ हंटर डिड कम एंड स्प्रेड द सीड्स. द सिली बर्ड्स केम एंड सॉ द सीड्स. तो एक जंगल में शिकारी आता है वो इधर उधर जो है सीड्स को बिखेरता है. सिली मीन्स फुलिश. फुलिश जो बर्ड्स हैं
वो मूर्ख बर्ड्स जो हैं वो देखते हैं कि यहाँ वहाँ काफ़ी सीड्स बिखरे हुए हैं. दे रिपीटेड द वर्ड्स, वो वही वर्ड्स जो हैं जो वाइस ओल्ड बर्ड ने उन्हें सिखाए थे वो बोलते हैं. अ हंटर विल ले अ ट्रैप विद सम सीड्स, बी केयरफुल एंड डोंट गेट ट्रैप्ड. देन दे स्टार्टेड ईटिंग द ग्रेन्स एंड वर कॉट बाय द हंटर. वो सेम वर्ड रिपीट करते हैं और सीड्स जो हैं खाने शुरू कर देते हैं, तो इससे क्या होता है वो जाल में फंस जाते हैं. सच सिली बर्ड्स, स्माइल सुरेश. कितने मूर्ख बर्ड्स थे वो. वेल यू आर नॉट सो स्मार्ट योर सेल्फ, कहते आप भी, मीन्स दादाजी जो हैं ग्रैंडफादर हैं वो सुरेश को कहते हैं कि वेल यू आर नॉट सो स्मार्ट योर सेल्फ, यू आर एक्टिंग जस्ट लाइक द बर्ड्स. कहते आप भी ज़्यादा समझदार अभी नहीं हुए हो, आप भी उन पक्षियों की तरह ही एक्ट कर रहे हो. यू मम्बल अ प्रेयर बिफोर प्रेयर थैंकिंग गॉड फॉर द फूड यू आर गेटिंग. मम्बल मीन्स से समथिंग वेरी क्वाइटली. कहते आप भी प्रेयर कर रहे हो, गॉड को थैंक्स कर रहे हो जिसने आपको फूड दिया है. एंड व्हाट आर यू डूइंग, हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. देन यू ग्रम्बल, एक तरफ तो आप प्रेयर कर रहे हो और दूसरी तरफ आप कंप्लेन कर रहे हो अबाउट द फूड. यू आर जस्ट लाइक दो सिली बर्ड्स हु केप्ट चांटिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग अ वर्ड और व्हाट दे वर सेइंग. आप भी कहते हैं उन मूर्ख पक्षियों की तरह ही बिहेव कर रहे हो जिनको ये पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं और उन्होंने क्या करना है. मीन्स वो बोल तो रहे थे कि ये बर्ड्स जो ये सीड्स हैं वो शिकारी ने स्कैटर किए, हमने खाने नहीं, हम जाल में फंस जाएंगे, पर वो क्या कर रहे थे, वो सेम सीड्स को खा रहे थे. इट मीन्स आप भी वही कर रहे हो. आप एक तरफ तो परमात्मा का शुक्रिया अदा कर रहे हो कि आपको फूड दिया और दूसरी तरफ आप उसी फूड को बुरा भला बोल रहे हो. एंड वट डू द वर्ड्स ऑफ प्रेयर यू रिसाइटेड बिफोर मील्स मीन्स टू यू. कहते जब आप प्रेयर कर रहे हो खाना खाने से पहले, कहते वो वर्ड्स मायने क्या रखते हैं आपके लिए. जस्ट साउंड्स, कि वो सिर्फ आवाजें हैं जो, वो सिर्फ साउंड्स हैं जो आप क्रिएट करते हो. एंड इज इट जस्ट अ लिप सर्विस, या वो एक आपके लिप्स की सर्विस है. सर्विस होता है कि काम है, कि हाँ हमने बस मुंह से प्रेयर करनी है और हम बोल रहे हैं विदाउट एनी डिवोशन. डिवोशन मीन्स लॉयल्टी, कि हम उन वर्ड्स के प्रति लॉयल भी नहीं है. क्वेश्चन द ग्रैंडफादर इन अ फर्म येट जेंटल टोन. उनसे क्वेश्चन पूछता है ग्रैंडफादर कि आप बताओ आप क्या समझते हो प्रेयर को, आप जो बोलते हो आपको वही करना चाहिए. सुरेश अंडरस्टूड व्हाट द क्वेश्चन मेंट. सुरेश को समझ में आ गया था कि ग्रैंडफादर के पूछे गए क्वेश्चंस का क्या अर्थ था. ही वॉज साइलेंट. अंडरस्टैंड व्हाट ट्रू डिवोशन मीन्स, ग्रैंडफादर एक्सप्लेन. वो बिल्कुल शांत हो गया, उसने समझा जो ग्रैंडफादर ने उसको प्रेयर के बारे में बताया, लॉयल्टी के बारे में बताया. इट इज़ बींग ट्रूथफुल टू वॉट यू से. कहते आप सच्चे बनो, आप वो चीज़ें करो जो आप कहते हो. इन फॉलोइंग वॉट इज सेड होल हार्टली, जो आप तह दिल से कहते हो आप वैसा ही करो. वर्ड्स आर मियर साउंड्स इफ़ दे हैव नो मीनिंग. जो वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ एक साउंड्स रह जाती हैं, आवाज़ें रह जाती हैं, ध्वनियाँ रह जाती हैं, अगर हम उनको उनका मीनिंग नहीं समझ पाते. व्हेन द वर्ड्स आर नॉट फॉलोड बाय एक्शंस दे बिकम एम्प्टी. जब कहे जो वर्ड्स होते हैं अगर हम वैसे ही एक्शंस ना करें, वैसे ही काम ना करें, तो वो वर्ड्स जो होते हैं वो खाली रह जाते हैं, एम्प्टी हो जाते हैं. सुरेश रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड प्रॉमिस्ड हिज ग्रैंडफादर दैट ही वुड ईट वॉट एवर इज सर्व्ड टू हेम विदाउट ग्रम्बलिंग. तो इतना कुछ सुनने के बाद सुरेश ने को अब समझ में आ गया था, तो उसने अपनी मिस्टेक को समझा और अपने ग्रैंडफादर को प्रॉमिस किया कि वो अब ही वुड ईट वॉट एवर, वो अब वही खाएगा जो उसको सर्व किया जाएगा, मीन्स जो उसकी मदर उसको देगी, और वो कोई कंप्लेंट भी नहीं करेगा. एंड इन द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क कि व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस स्टोरी. एंड वी लर्नड फ्रॉम दिस स्टोरी इज एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम प्रेयर, कि हमें अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ प्रेयर से शुरू करते हैं. बट अ प्रेयर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन. इन डिवोशन द माइंड इज़ फुली इन्वॉल्व इन वॉट इज़ बींग अटर्ड एंड एक्शंस
विच फॉलो बिकम प्योर एंड मीनिंगफुल, कि जब आप प्रेयर करते हो आपका माइंड जो है वो फुली जो है इन्वॉल्व होना चाहिए. आप जो प्रेयर करते हो आपको वैसा ही अपने कर्म भी करने चाहिए. देर इज़ अ पर्पज़ बिहाइंड ईच प्रेयर एंड अ मॉरल फॉर अस टू लर्न फ्रॉम. हर एक प्रेयर के पीछे कोई ना कोई जो होता है मॉरल होता है और हमें उस मॉरल को सीखना चाहिए. एज वी ग्रो ओल्डर इन ईयर्स, जैसे जैसे हम जिंदगी जीते हैं, हम बूढ़े होते जाते हैं, द मीनिंग बिकम क्लियरर देन एवर बिफोर. जो मीनिंग होता है वो प्रेयर का, वो धीरे धीरे हमें समझ में आने लग जाता है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. थैंक यू सो मच.